स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट को देख लेते हैं और जो पहला शेयर है आज खबरों में वो है कॉक्स एंड किंग्स का। सब्सिडरी मेनिंगा होटल ने इटली में कारोबार शुरू किया है, 491 की कैपेसिटी का होटल खोला है। कॉक्स एंड किंग्स पर फोकस कर सकते हैं, कल 0.3% गिरा था ये स्टॉक, लेकिन आज एक्शन में रहने की संभावना है इस खबर के आधार पर। आपका टेक्निकल व्यू क्या है आशीष कॉक्स एंड किंग्स पर? पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के सारे टॉप्स को अगर मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक जो है 228 के ऊपर अगर ये चलता है तो ही मैं इसमें खरीदारी करने की सलाह दूंगा, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 228 के ऊपर ये स्टॉक चलना चालू करता है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 223 का और लक्ष्य होगा 237 का। चलिए इस बीच अगर आप देखें RIIL भी बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे नतीजे है और मुनाफा करीब 4.19 करोड़ से गिरकर लगभग 3.38 करोड़ रुपये रहा। बिक्री करीब 8.5% बढ़कर यहाँ पे करीब 232 करोड़ रुपये रही। तिमाही आधार पर कंपनी का जो मुनाफा है लगभग लगभग 12% बढ़ा है। RIIL और 420 के स्तर पर ऐसे ट्रेडिंग स्टॉक फ्रेंकली स्पीकिंग जब भी कोई मौका मिले किसी रेंज को पार होते हुए देखें तो एक ट्रेड मार लें यहाँ पर, हालांकि नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके आधार पर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग की मूव की बात की जाए। आशीष कैसे ट्रेड करेंगे आप इस स्टॉक को? अगर इस चार्ट का रुझान देखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव रुझान चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने मैं जो शैडो इंडिकेटर्स फॉलो करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक हमें 428 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए तो ही मैं इसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा जो लॉन्ग साइड में होगा। 428 में अगर ये ऊपर चलता है तो 423 का स्टॉप लॉस लगाए और 439 का इसमें लक्ष्य दिखाई देता है। दूसरा एक ट्रेड यहाँ पे हम तभी इनिशिएट कर पाएंगे अगर ये स्टॉक 415 के नीचे चलता है तो इंडिसाइसिव मोड में है, दो लेवल्स वॉच करनी होगी, ऊपर 428 नीचे 415 के नीचे जाता है तो शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करने की मेरी सलाह होगी। उस केस में 419 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और लक्ष्य 404 रुपये होगा इसमें, तो 415